Hello students, myself Riti Gupta. I am your EVS teacher. Start the first chapter. What is Poonam see? यानी कि पूनम ने क्या देखा. चलो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. रीडिंग करूंगी और मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी. आपको ये बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुनना और समझना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पूनम वॉज एट होम, शी वॉज सिक. पूनम अपने घर पर थी और वो बीमार थी. माँ प्लीज लेट मी गो आउट गो टू द स्कूल टुडे, कि माँ प्लीज मुझे स्कूल जाना है. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट टू डेज, मैं पिछले दो दिनों से स्कूल नहीं गई हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ. सैड पूनम, पूनम ने कहा. यू स्टिल हैव फीवर, कि तुमको अभी तक बुखार है. गो आउटसाइड एंड ले डाउन ऑन द कोट, रिप्लाइड माँ. मम्मी ने कहा उसको कि अभी तक तुमको बुखार है, अभी आप बाहर जाओ और जाकर के आपके जो बिस्तर है या खाट है उस पे जाके लेट जाओ. बच्चों को अक्सर ऐसा होता है जब वो बीमार हो जाते हैं तो एक ही जगह पर रहते रहते बिस्तर पे पड़े पड़े वो लोग बोर हो जाते हैं. तो पूनम जो है वो बीमार हो गई और वो बिस्तर पे पड़े पड़े बोर हो गई, तो अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं मुझे स्कूल ही भेज दो, मुझे मैं दो दिन से घर पर हूँ, बोर हो रही हूँ, मुझे स्कूल जाना है. लेकिन उसकी मम्मा बोलती है कि नो, आपको अभी भी फीवर है, अभी आपको कहीं पर नहीं जाना है, आप बिस्तर पे लेट जाओ. पूनम वेंट आउट, शी फेल अस्लीप ऑन द कोट. पूनम चली जाती है और वो कोट के ऊपर यानी कि खाट के ऊपर या बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और सो जाती है. सडनली समथिंग फॉल ऑन हर फेस, अचानक से उसके फेस के ऊपर कुछ गिर जाता है. पूनम वेक अप एट वंस एंड टच हर चीक. पूनम एकदम से जग जाती है, उठ जाती है और अपने गाल को छूती है. ओ नो, Whose mischief is this? Is it of crows or of a pigeons? It seems it is a crows. अरे अरे नहीं नहीं, ये कि ये मेरे साथ ऐसा किसने किया? क्या ये कौआ है या फिर एक कबूतर? पर दिखने में तो ये एक कौआ जैसा दिख रहा है. उसके फेस के ऊपर किसी बर्ड ने शिट कर दिया था, इसलिए वो एकदम से जग गई और परेशान हो गई. अक्सर ऐसा होता है कि हमने देखा है कि गांव में जहाँ पर हमारे घर के बाहर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, हम लोग वहाँ पर बिस्तर या फिर वो कुछ मतलब लेट जाते हैं हम उसके नीचे, पेड़ के नीचे. तो पेड़ के ऊपर बहुत सारे जो एनिमल्स बर्ड्स वगैरह वहाँ पर होते हैं. ठीक है, तो पूनम के घर में भी ऐसा ही हुआ. उसके वो जिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी उस पेड़ के ऊपर कुछ बर्ड्स थे, कुछ एनिमल्स थे, जिसने उसके उसके फेस के ऊपर शिट कर दिया. पूनम ने देखा. शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, उसने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स थे पेड़ के ऊपर. राइट डाउन देयर नेम्स, उन सबके नाम हमको लिखने हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो जो ये वाला जो पिक्चर है इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. कोई मंकी, पीजन, स्क्वायरल, क्रो, बटरफ्लाई, कुकू, स्पैरो. ठीक है, ये सारे बहुत सारे एनिमल्स हैं. तो इन्हीं को आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर राइट डाउन करना है. पीजन, स्क्वायरल, मंकी, क्रो, बटरफ्लाई, स्पैरो, पैरोट और कुकू. पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चीक्स विथ इट. पूनम ने जमीन के ऊपर से एक लीफ का टुकड़ा उठाया और उसे उसके फेस को पोंछ दिया यानी कि वाइप कर दिया. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी,
बट अभी भी उसके फेस पे चिपचिपा जैसा कुछ उसको फील हो रहा था. शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड. के उसने सोचा अरे ये तो अच्छे से साफ नहीं हुआ है, चलो मैं चली जाती हूँ और अपने फेस को तालाब के पास जाके साफ करके आती हूँ. स्टैंडर्ड थर्ड. आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रीड द चैप्टर केयरफुली. आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना आना चाहिए, ठीक है. उसके मीनिंग्स हैं, उसके हार्डवर्ड्स हैं, आपको उनके हार्डवर्ड्स के ऊपर अंडरलाइन करना है, उनको समझना है, उनको लिखना है, लर्न करना है, ठीक है. और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग, ये अभी पूनम है वो पॉन्ड के पास यानी तालाब के पास आ जाती है. वो विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड. और वो पूनम जो होती है वो तालाब के पास कौन कौन से एनिमल्स को देखती है. आप इसमें देख सकते हो कि आपको इसमें से कौन कौन से एनिमल दिखाई दे रहे हैं. बफेलो, टॉर्टोइस, गोट, डक, स्वैन, फिश, फ्रॉग, इन सभी एनिमल्स के नाम आपको यहाँ पर थिंक एंड राइट में लिखना है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड. क्या आप पॉन्ड के पास यानी तालाब के पास जो एनिमल है उसके तरीके से एक्ट कर सकते हो, उसके जैसे आप कर सकते हो. जैसे कि अलग अलग एनिमल की अलग अलग आवाज़ होती है, आपको पता है. जैसे कि जो फ्रॉग है वो टर टर की आवाज़ करता है, गॉट होता है वो मैं की आवाज़ करती है, बफेलो होती है वो ऑ की आवाज़ करती है, पानी होता है पॉन्ड में वो छपाक से आवाज़ आती है. तो उस अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ साउंड एंड मूवमेंट दीज एनिमल्स मेक. कि ये जो अलग अलग टाइप के ये किस किस टाइप की आवाज़ और मूवमेंट सारे एनिमल्स करते हैं वो आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में. ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड एंड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. कि चलो हम उन सभी की आवाज़ को और उनकी मूवमेंट को बर्ड्स और एनिमल्स के करने की कोशिश करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग टाइप के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उनकी मूवमेंट अलग अलग टाइप की होती है. उनकी शेप, उनका साइज, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर बॉडी का सभी कुछ अलग अलग होता है. देखो बच्चों, अलग अलग टाइप के एनिमल्स के सबका जो लिविंग स्टाइल होता है वो भी अलग अलग होता है. आपने देखा होगा बर्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वो फ्लाई कर सकते हैं यानी कि आकाश में उड़ सकते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर चलते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, वो ना तो फ्लाई कर सकते हैं ना ही वो पानी के मतलब अंदर रह सकते हैं, ठीक है. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं जिनको हम वाटर एनिमल्स कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. नेक्स्ट है सम एनिमल्स वॉक, सम क्राउल, सम फ्लाई, सम एनिमल्स स्विम एंड सम आर होप. उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वॉकिंग कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं. कुछ एनिमल्स क्राउलिंग करते हैं यानी कि रेंग कर चलते हैं. रेंगने वाले कीड़ों में आपने कीड़े मकोड़े, सांप, बहुत सारे ऐसे एनिमल देखे होंगे जो रेंग कर चलते हैं. कुछ उड़ते हैं, जितने बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं हवा में, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो तैरते हैं पानी में, नदियों में, तालाबों में. कुछ पानी के अंदर डीप में तैरते हैं, कुछ पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है. और कुछ होप यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंप करते हैं, ठीक है. उसके बाद है ये जो है ये आपका होमवर्क है थिंक एंड राइट. आफ्टर दैट है थिंक एंड राइट में हैबिटेट्स ऑफ एनिमल. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग एनिमल्स का स्ट्रक्चर है, उनकी लाइफ स्टाइल है और उनके रहने का, उनका घर सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है. तो उसी तरीके से कुछ एनिमल्स ज़मीन के अंदर छेद बनाकर रहते हैं जिसको बूरो कहते हैं, ठीक
ठीक है, इसमें मैंने दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, दो आपको लिखना है. फर्स्ट है रेट, सेकेंड है रैबिट. नेक्स्ट है लिव्स इन नेस्ट. तो नेस्ट के अंदर यानी घोंसले में रहने वाले बर्ड्स जैसे कि क्रो और स्पैरो, दूसरे दो आपको लिखना है. थर्ड है लिव्स इन हाउस, घर में रहने वाले दो एनिमल जो एनिमल्स हैं उनमें डॉग एंड कैट. और लास्ट है लिव्स इन वाटर, पानी में रहने वाले एनिमल्स फिश एंड टॉर्टोइज. आफ्टर दैट है रिकलेक्ट एंड राइट. रिकलेक्ट एंड राइट में आपको क्या करना है, तीन तीन वो सभी एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, कैन फ्लाई यानी कि जो उड़ सकते हैं, उसके तीन एनिमल्स के नाम. वो एनिमल्स जो वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, उन एनिमल्स के नाम. कैन क्राउल जो रेंग सकते हैं, उनके नाम. कैन हो जो कि जंप कर सकते हैं, होप कर सकते हैं, उन एनिमल्स के नाम. ठीक है, ये सब ये आपका होमवर्क है. इसमें आपको सोचना है थोड़ा अपने आप को और सोच के और उसको अच्छे से आपको लिखना है. नेक्स्ट है हैव अ टेल. जिस जिस एनिमल की टेल होती है, पूंछ होती है, वो वाले एनिमल्स के नाम. फिर हैव हॉर्न्स, वो एनिमल जिनके सींग होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं. फिर है वॉक ऑन अ वॉल, जो दीवार के ऊपर चल सकते हैं, वो एनिमल्स के नाम. इन सभी के नाम आपको लिखने हैं. ठीक है, आफ्टर दैट है एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं. कुछ एनिमल्स लिव, सम एनिमल लिव ऑन द ट्रीज, कुछ एनिमल पेड़ के ऊपर रहते हैं. सम एनिमल्स इन वाटर, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं. सम एनिमल्स ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स जमीन पर रहते हैं. सम एनिमल्स अंडर द ग्राउंड, कुछ एनिमल्स जमीन के अंदर रहते हैं. एंड सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ एनिमल्स आकाश में उड़ते हैं. सम एनिमल्स इवन लिव इन अवर हाउस, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर में रहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है, फिल द कलर्स. इसमें जो सर्कल दिए हुए हैं एनिमल्स के सामने, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और हमें पता लगाना है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एट रेड एट दोज हु ड्रिंक्स वाटर बाय हेल्प ऑफ टंग. वो एनिमल्स जो कि टंग से यानी अपनी जीभ से पानी पीते हैं. और ग्रीन में एट दोज हु ड्रिंक्स वाटर बाय द हेल्प ऑफ लिप्स, वो एनिमल्स जो अपनी अपने होठों से पानी पीते हैं. इसमें काओ, काओ हमेशा अपने होठों से पानी पीती है, पानी के अंदर अपने मुंह को डाल के उससे पानी पीती है. जो मंकी है वो भी बाय लिप्स वाटर पीता है. ठीक है, काओ. और जो डॉग है वो टंग से पानी पीता है. आपने देखा होगा और यू कैन ऑब्जर्व और एट अराउंड योर सराउंड. एंड डियर जो होता है वो लिप्स से पानी पीता है. बुफेलो होती है वो भी लिप्स का यूज करती है. और जो लॉयन होता है वो टंग से पानी पीता है. डोंकी होता है वो लिप्स से पानी पीता है. गोट होती है वो भी लिप्स का यूज करती है. कैट, कैट कैन ड्रिंक वाटर बाय टंग. एंड एलिफेंट्स ऑल्सो यूज देयर लिप्स टू ड्रिंक वाटर. एंड चीता, चीता भी टंग से पानी पीता है. एंड फॉक्स, फॉक्स ऑल्सो यूज देयर टंग टू ड्रिंक वाटर्स. ठीक है, ये सारा मैंने आपको बताया है. इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं. आफ्टर द लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस. ये पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और आपको उन सभी एनिमल्स के ऊपर कलर करना है जो आपके घर में नहीं रहते हैं. जो आपके घर में नहीं रहते हैं उन सभी एनिमल्स के ऊपर आपको कलर करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड करना है और दो तीन बार आपको रीडिंग करना है ताकि उससे आपको ये रीडिंग करना आ जाएगा. और जितना भी मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सब कुछ है, उसको आपको अच्छे से लिखना है. कोई डाउट हो तो आपको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ठीक है,
So all the best to all of you. Keep watching my another videos. Bye bye.